हाय गाइस, देखिए ये है नई किया सोनेट, आ गई है आपके नियरेस्ट स्टोर्स में। काफ़ी अच्छी बूट स्पेस है, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, और बहुत फ्रेश लगती है गाड़ी। रियर स्पेस भी डिसेंट है, अगर आपके फैमिली में 6 फुट के आसपास बंदे हैं सारे तो आपको डिसेंट होगी, उससे ऊपर में आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। काफ़ी सॉफ्ट टच प्लास्टिक्स दिए हुए हैं। ये व्हील्स है, अपोलो के व्हील्स आ जाते हैं, 215 इसकी विड्थ आ जाती है। थोड़ी क्वालिटी वीडियो की सही नहीं आ रही होगी, ऑडियो में भी शायद थोड़ा तकलीफ होगा, बट मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा देख लीजिए। ये इसका डीजल इंजन है जो कि बहुत ही रिफाइंड और बहुत साइलेंट है। ये देखिए, अभी आपको मैं ड्राइवर सीट की तरफ लेकर जाता हूँ। कीलेस एंट्री मिलती है आपको, ये इसके पावर स्विचेस हैं, इसके अंदर बोस का ऑडियो आ जाता है, और ये इसकी चाबी है। उसके बाद में स्टीयरिंग माउंटेड बटन्स आ जाते हैं, और मैनुअल एडजस्टमेंट है सीट को, इलेक्ट्रिक नहीं है, और गियर बॉक्स ऑटोमेटिक आ जाता है, और इसमें मैप वगैरह आ जाता है, और सनरूफ आ जाती है आपकी सबसे मेन, और काफ़ी बढ़िया इसका इंजन स्टॉप स्टार्ट बटन है, पार्शियल डिजिटल डिस्प्ले है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। आपका जहाँ भी हाथ लगने वाला है वहाँ आपको सॉफ्ट टच दिया हुआ है, जैसे कि स्टीयरिंग व्हील्स पर, डोर पैड्स, और सीट्स जो है आपको लेदर अपॉलस्ट्री मिल जाती है, और यहाँ 2 कप रखने की जगह आती है। देखिए ये रियर सीट स्पेस है, इसके अंदर एक आर्मरेस्ट आ जाता है, एक ट्रे भी आ जाती है सामान रखने के लिए। व्हील्स काफ़ी ब्रॉड है, और गाड़ी दिखने के लिए बहुत ही बढ़िया लग रही है, बहुत ही फ्रेश डिज़ाइन है, एक्चुअली आई एम लविंग इट। रूफ रेल्स आ जाते हैं, आई डोंट नो, फंक्शनल लग रहे हैं शायद। एलईडी लाइट्स है, ग्रिल बहुत बढ़िया है, और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है इस पे। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिए, कल इसकी ड्राइविंग वीडियो भी आएगी अपनी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको इसके बारे में क्या फीचर्स जानने हैं मेरे को कमेंट कीजिए। इस गाड़ी के ऊपर मैं एकदम इन डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। थैंक यू।